हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर ऑथर बात कर रहे हैं बेकर्स के बारे में। जो बेकर्स थे गोवा के अंदर, उन्हें पैडर के नाम से जाना जाता था। जो उनका बिजनेस था, जो ब्रेड बनाते थे, वो पुश्तैनी बिजनेस था। जो उनके दादा थे, परदादा थे, वो भी ब्रेड बनाते हुए आए थे। ब्रेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थे, लोग खाते थे बहुत सारे ब्रेड के लोफ्स, बहुत पसंद करते थे लोग ब्रेड को खाना। अब ऑथर यहाँ पर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। जब बेकर उनके घर के आसपास आया करता था, तो जो बेकर उनके घर के आसपास आया करता था, वो ऑथर का अच्छा फ्रेंड भी था और गाइड भी था। वो दिन में दो बारी आया करता था। और वो क्या करता था, बैम्बू की स्टिक से एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता था ज़मीन पर रगड़ के। एक हाथ से उसने अपने ब्रेड की टोकरी को पकड़ा हुआ होता था और एक हाथ से वो ज़मीन पर रगड़ता था, क्या, एक बैम्बू की स्टिक को, जिसको मार मार के वो आवाज़ प्रोड्यूस करता था। बेकर बहुत एक्साइटेडली उठते थे और जाते थे अपना ब्रेड खरीदने के लिए। तो उनके जो मेड सर्वेंट्स होते थे, वो बाहर जाकर उनके लिए वो ब्रेड खरीद दिया करते थे। डिलीवरिंग द लोव्स, द बेकर लव्स विद द जंग जंग साउंड ऑफ द बैम्बू स्टाफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, जैसा मैंने आपको बताया, एक हाथ बास्केट को सपोर्ट करता था और एक हाथ बहुत चालाकी से बेकर एक हाथ से बैम्बू स्टिक्स को पीटकर आवाज़ प्रोड्यूस करा करते थे। जब कोई उनसे ब्रेड खरीदने के लिए आता था, तो वो नीचे रख देते थे अपने ब्रेड की टोकरी को और उसके ऊपर बैम्बू की स्टिक रख देते थे और फिर उसे ब्रेड का पीस दे देते थे या फिर लोफ ऑफ ब्रेड दे दिया करते थे। अब यहाँ पर ऑथर स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड का बताना। जो ब्रेड था बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता था उस जगह पे, गोवा के अंदर उस टाइम पर, और अभी भी ब्रेड बहुत स्पेशल माना जाता है। जब किसी की वेडिंग होती है, तो वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की ब्रेड बनाई जाती है उनके लिए, मीठी वाली ब्रेड, जिसको बोल बोलते हैं। सैंडविचेस, केक्स, बोइनाज वर मेड विद द ब्रेड। ब्रेड भी ब्रेड के थ्रू ही बनाए जाते थे, जो सैंडविचेस और केक्स वगैरह भी होते थे। बेकर की थोड़ा उसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कैसी प्रेजेंस होती थी, किस टाइप का उसका ड्रेसअप होता था। बेकर एक बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आया करते थे। उनकी जो ड्रेस थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, पिक्यूलियर थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबई, कबई बोलते हैं उनकी ड्रेस को, जो कि काफ़ी लॉन्ग होती है और वो कहाँ तक आती है, उनके नीज तक, जो घुटने होते हैं वहाँ तक आती है। जस्ट एज फ्रॉक समझ लो, जैसे गर्ल्स पहनती है ना, उस टाइप से। और हाफ़ पैंट्स, मतलब हाफ़ पैंट्स वही हो गया कि कच्चा टाइप, कच्चा जहाँ तक आता है हम लोगों का, वहाँ पर निक्कर आता है जो, जहाँ तक बच्चे पहनते हैं ना छोटे वाले। तो बेकर्स की जो फैमिली होती थी, वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुशहाल होते थे, अच्छी फैमिली से होते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके पास गरीबी थी, और इस चीज़ का पता उनके शरीर को ही देख के लग जाता था। अच्छे खासे मोटे हट्टे गट्टे होते थे वो लोग। तो और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बेकर्स होते थे, वो अपने पैसे कैसे कलेक्ट करते थे। वो पूरे मंथ तक तो जो जिस भी पर्सन को उनसे ब्रेड लेना होता था, उसे दे दिया करते थे, और फिर मंथ के लास्ट में उसके घर पर जाके हिसाब कर लेते थे और अपना जो भी पेमेंट बनता था उसे ले लिया करते थे। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है वाला पार्ट। कॉर्क के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। हेवनली प्लेस, हेवनली मतलब स्वर्ग जैसी जगह थी। यहाँ पर बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता था, बहुत अच्छा मतलब मौसम रहता था, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ के अच्छे थे, और जो यहाँ पर बेसिकली क्रिएचर्स भी थे, वो भी आपको सारे टाइप के क्रिएचर्स देखने को मिल जाया करते थे। ये कॉर्क था, कॉर्क कहाँ पर था, मैंगलोर के अंदर था, और ये बहुत ही छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। कॉर्क का जो वेदर है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो कॉर्क की हवा थी, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो हवा के अंदर भी कॉफ़ी की खुशबू आया करती थी। सोच लो कितनी ज़्यादा वहाँ पर कॉफ़ी फेमस होगी। अब ज़रूरी नहीं था यहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी ही ग्रो करी जाए, यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस ग्रो करी जाती थी, जैसे कि इलायची हो गई, लौंग हो गई, और भी डिफरेंट टाइप की जो भी हो गई, वो सारी स्पाइसेस यहाँ पर देखने को मिलती थी। यहाँ पर टूरिस्ट कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट भी बहुत सारे विजिट करते रहते हैं ऑन अ डिसेंट बेसिस। कॉर्क के बारे में ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, उसके कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे और वापस जाना उनके लिए नामुमकिन हो गया था, तो वो लोग यहाँ पर रहने लगे थे और उन लोगों ने शादी भी कर ली थी यहाँ के लोगों से।
तो इस वजह से जो मोस्टली वहाँ का हम लोग कल्चर देखते हैं वो ग्रीक और अरेबिक कल्चर से कुछ कुछ मिलता जुलता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकर आइसलैंड ऑफ निसारगदमा। ये निसारगदमा जगह है, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा वॉक करके जाओगे रोप ब्रिज से तो आपको वो देखने को मिल जाएगी। आपको बुद्धिस्ट मॉन्क भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि बायकुर्पी एक टाइप का हर्ट टाइप होता है जो जगह होती है वहाँ पर, इनको मेडिटेशन करते हुए जो भगवान की जो ये लोग जो भी प्रेयर करते हैं वो देखते हुए आपको मिल जाएंगे। वन कैन सी देम ड्रेस्ड इन रेड, जो आपने देखो का रेड और येलो कलर का मोस्टली ड्रेस पहनते हैं जो मंक्स होते हैं, उस टाइप के ड्रेसेस के साथ आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राजवीर और प्रांजल के बारे में। ये लोग आसाम की तरफ जा रहे होते हैं और जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इन्हें आवाज़ सुनाई देती है बाहर से, चाय गरम चाय, चाय ले लो चाय। तो ये चाय ले लेते हैं और डिस्कस करते करते राजवीर प्रांजल को बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर 80 करोड़ कप चाय एक दिन के अंदर पी जाती है। जब ये लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो राजवीर जो होता है अपनी आंखों से बाहर की तरफ देखता है खूबसूरती को तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जहाँ तक देख पाता है ग्रीनरी को वहाँ तक उसे दिखती हैं चाय पत्तियों के बागबान या चाय पत्तियों की खेती, बहुत दूर दूर तक उसे दिखती है। कुछ ही दूरी पे उसे एक घर दिखता है, बहुत ही अगली सा गंदा सा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इसको टी गार्डन बोला जाता है, इसके अंदर मतलब टी उगाई जाती है। और जो हमारा प्रांजल होता है वो अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ता रहता है। ये लोग आसाम के अंदर थे, आसाम बहुत फेमस है चाय के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड आसाम में सबसे ज़्यादा टी को ग्रो करा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाय की खेती होती है इधर। राजवीर ने प्रांजल को ये बताया, क्या तुम जानते हो कि चाय को किसने डिस्कवर करा? बहुत सारे महान लोग हैं इसके पीछे, लेकिन अभी भी क्लियरली कुछ आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर बात हो रही है चाइनीज़ लोगों के बारे में। चाइनीज़ लोग भी बहुत ज़्यादा फेमस थे कि उन्होंने टी इन्वेंट करी है। ऐसा कहा जाता था कि एक चाइनीज़ राजा ने सुबह सुबह उठ के बोला, अरे मेरी चाय छिंग मिंग छू, अब मैं अपनी चाय को बॉयल, पानी को बॉयल करता हूँ, ये पत्ती उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ और ये देखो बहुत अच्छा फ्लेवर आया, ये मैंने चाय को डिस्कवर कर लिया। तो बेसिकली जो चाइनीज़ एम्पायर था एक, वो सुबह उठ के रोज़ पानी बॉयल करता था, उसे एक दिन पत्तियाँ मिल के उसने उसके अंदर पत्तियाँ डाली, बॉयल करा और उसको पी के देखा तो उसको काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया, तो उसको ये भी कहा जाता है कि उसने चाय को डिस्कवर करा था। इंडिया के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक बुद्धिस्ट मंक ने कट ऑफ अपनी आँखों को काटा था बिकॉज क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, कब, जब वो मेडिटेट करता था, जब वो ध्यान लगाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने अपनी आईज़ को कट करा तो ये कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ हिज आईलिड्स, जो उसकी आँखों की पुतलियाँ थी उससे 10 टी के प्लांट्स ग्रो करे, बहुत 10 ग्रो करे। तो उसकी जो पत्तियाँ थी उसको उसने गर्म पानी के अंदर डाला और पी लिया, फिर उसको नींद आना बंद हो गई। अजीव प्रांजल को ये बताता है कि चाइना के अंदर सबसे पहले चाय पी जाती थी, मतलब 2700 BC के अंदर लोग पिया करते थे। और जो चाय और चीनी वर्ड है ये चाइना से ही डिस्कवर करा गया, जैसे चाय और चीनी बोलते हैं ना हम लोग, तो ये सब चाइना से ही डिस्कवर करा गया है। चाय धीरे धीरे करके यूरोप में आई 16th century के अंदर, जब वो यूरोप के अंदर आई तो इसको दवाई की तरह ज़्यादा यूज़ करा जाता था एज़ कम्पेयर टू जैसे हम लोग नॉर्मली चाय पीते हैं, एज अ बेवरेज की जगह ना यूज़ करके इसको मेडिसिन की तरह यूज़ करा जाता था। अब जैसे तैसे करके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वो मरीनिया जंक्शन पे उतरते हैं, वहां पर उनको देखी बारी टी स्टेट था, जो टी का जो लैंड था वहां पर लेके जाया जाता है, जो देखी बारी था वहां पर। वो ये देखते हैं दोनों साइड, जब वो जा रहे होते हैं उस जगह पर तो वो ये देखते हैं कि दोनों साइड दूर दूर तक एकर्स ऑफ टी बुशेस थी, चाय की पत्तियां थी, और उन चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी बहुत सारी औरतें जिन्होंने क्या करा हुआ था, अपनी पीठ के पीछे एक बैम्बू की बास्केट बांधी हुई थी और उसके अंदर वो क्या कर रही थी, चाय की पत्तियां
डाल रही थी। राजवीर की जो नॉलेज थी टी के प्लांटेशन के बारे में वो काफ़ी अच्छी थी, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, और उसको काफ़ी नॉलेज भी थी। जो प्रांजल के जो फादर थे उन वहाँ पर कुछ ही देर में प्रांजल के फादर आ जाते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। उन्हें रिसीव करते हैं तो वो बताता है राजीव कि मैं स्पेशली इस सीज़न में इसलिए आया हूँ क्योंकि मई से जुलाई के बीच में ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी स्प्राउटिंग होती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आना स्टार्ट होता है, फ्रेश होती है इस टाइम। तो ये चीज़ सुन के राजवीर को प्रांजल के फादर बोलते हैं कि हाँ आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है टी प्लांटेशन के बारे में बहुत अच्छे से। राजवीर ने ये बोला कि हाँ मैं और भी सीखना चाहता हूँ। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाए अच्छे से। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बटन दबाना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और हाँ, आज का एक और सवाल मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, टी लीव्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे हम लोगों को नींद नहीं आती।